किसान है ना, तो 17 राउंड में चला गया, तो उसको धान फाड़ में पहुंच गया है, लेकिन 6 राउंड बोल के उसको ये कर दे रहे हैं, वापस कर दे रहे हैं। किस सोसाइटी का है ये? ये छातामुड़ा गांव है, ये वाला गढ़ुमरिया जकेला सोसाइटी, रोहित लाल पटेल। कहाँ रहते हैं? छातामुड़ा। मेरा नाम हेम सागर पटेल है, मैं ग्राम गाना तरई से हूँ। मेरा सोसाइटी केंद्र बड़े हल्दी है, जहाँ मैं धान लेकर गया था सोसाइटी में धान बेचने के लिए, वहाँ के प्रबंधक द्वारा मेरे को धान भरने के लिए साफ साफ मना कर दिया गया था। वहाँ शासन से प्रति क्विंटल 12 रुपये आती है, जिसमें बोरा भराई सिलाई तोलाई संपूर्ण कार्य के लिए पैसा आती है। वहाँ प्रबंधक द्वारा बोला जा रहा है कि तुम खुद भरो धान, मतलब ये शासन से यदि पैसा आती है तो ये पैसा फिर कहाँ जाता है? हम किसान सब क्यों अपना घर का पैसा माने वहाँ भरने के लिए दें? मतलब ये एक गलत नीति हो रहा है। और दूसरा चीज़ है, यदि घर में हम अपना धान को 41 किलो का वजन यदि भर को लेते हैं, तो सोसाइटी में जाकर वो मैनुअल काटा से तौल हो रहा है, तो 40 किलो नहीं आ पा रहा है, प्रति बोरा 1 किलो से 1.5 किलो धान गायब हो जा रहा है। मतलब इतना धान हर साल किसान के एक बोरे से जा रहा है, तो लाखों के तादाद में इसका वजन में चोरी होते जा रहा है। और किसान अपना हक के लिए लड़ना चाह रहा है और प्रबंधक हो गए, यहाँ कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। और मेरा सभी किसान तरफ से यही कहना है कि आने वाला साल से इलेक्ट्रॉनिक काटा से ही धान का तौल किया जाना चाहिए। और आज कांग्रेस शासन छत्तीसगढ़ में आया हुआ है, तो किसानों के ही बदौलत आया हुआ है, संपूर्ण किसान एकजुट होकर के वोट दिए हैं तो आए हुए हैं ये शासन। लेकिन किसानों के हित में बिल्कुल भूपेश बघेल जी का कोई भी कार्य संतोषप्रद नहीं हो रहा है। संतोषप्रद यदि होता तो आज यहाँ पर हम लोगों को ये धरना प्रदर्शन करना नहीं पड़ता। शासन द्वारा जो नीति बताया जा रहा है कि किसानों को 5 बार से अधिक धान नहीं बेचना है, तो इस विषय में किसान सोसाइटी में ना तो कोई नोटिस दिया गया है, ना किसानों को इसका जानकारी दिया गया है। यदि किसान को जानकारी होता कि अपना धान 5 बार में ही बेचना है, तो किसान उस तरीके से अपना तैयारी करता। किसान के यहाँ रखने का असुविधा है, खेत कोई गीला है कोई सूखा है, उसका कटाई अलग अलग समय में होता है, इस कारण से किसान एक बार में अपना धान नहीं ले जाया जा सकता। यदि उसका पंजीयन हुआ है संपूर्ण खेत को धान बेचने का, तो एक बार हो कि 5 बार हो कि 10 बार हो, उसको बेचने का अधिकार मिलना चाहिए। आप ये धरना प्रदर्शन के वो से क्या संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को? मैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से शासन को यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो तहसील के माने विभाग द्वारा शासन द्वारा हम लोगों को जो प्रताड़ित किया जा रहा है कि एक बार मैंने 2 बार यदि धान बेच चुका है किसान, तो फिर से पुनः जाना पड़ रहा है तहसीलदार के पास, पटवारी के पास। तो यदि कोई बुजुर्ग किसान है, कोई जिसके पास साधन नहीं है, तो ये पटवारी के पास बार बार जा जाकर चक्कर काट रहा है, तहसीलदार के पास चक्कर काट रहा है। तो किसान के खाते में यदि धान जाना है, तो शासन आए उसके घर में चेक करे धान है कि नहीं है, किसान के घर में जाकर पूरा चेक करे, उसको अपना ग्राम सेवक को भेजे, जिसको भेजना है भेजे, और हम क्यों जाएं बार बार परेशान हों? किसान के इसीलिए मतलब जाता रहे और लोग उसका मतलब मजाक उड़ाते रहे, किसान पीछे होते जा रहे हैं, तो ये सब बंद हो। मतलब शासन अपना आदमी भेजे, यदि उसको दिक्कत है, धान नहीं खरीद पा रहा है, किसान तो पंजीयन करवा ही चुका है अपना,